कोहली गिल के तूफान के बाद श्रेयस अय्यर ने भी बरपाया है कहर। वर्ल्ड कप 2023 में श्रीलंका को दिया है सबसे बुरी हार। दोस्तों आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का 33वां मुकाबला आज भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया। दोस्तों यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। श्रीलंका के कप्तान कुशल मेंडिस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 357 रन बोर्ड पर लगा दिए। शुभमन गिल ने सर्वाधिक 92 रनों की बड़ी पारी खेली। वहीं दोस्तों सुमन गिल की इस पारी में 11 चौके और 2 छक्के की मदद से 92 रनों की पारी खेली। गिल के विकेट के बाद विराट कोहली ने अपना विकेट गवा दिया। विराट कोहली ने 32वें ओवर में दिलशन मधुशंकर की गेंद पर प्रथम निशंका को कांच दे बैठे। दोस्तों विराट कोहली ने 94 गेंदों पर 11 चौकों की मदद से 88 रनों की पारी खेली। वहीं दोस्तों केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव दोनों ने बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। दोस्तों केएल राहुल 21 रन पर दुष्मंता चमीरा के हाथों में, सूर्य कुमार यादव 12 रन पर दिलशन मधुशंकर के आगे विकेट गंवा बैठे। वहीं दोस्तों श्रेयस अय्यर भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए नजारा पेश किया, लेकिन वह शतक से चूक गए। दोस्तों श्रेयस अय्यर ने 56 गेंदों में 3 चौके और 6 छक्कों की मदद से 82 रनों की बड़ी पारी खेली। वहीं रविंद्र जडेजा ने 35 रन की पारी खेली और अहम योगदान दिया। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि भारत के द्वारा दिए गए 358 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम शुरुआती गेंद से ही विकेट लड़खड़ाते गए और लगातार गिरते गए और वर्ल्ड कप 2023 में सबसे बड़े अंतर से भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। तो दोस्तों आज की जानकारी में इतना ही। इस खबर के बारे में आप अपनी व्यक्तिगत राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।